प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ऐसा आइडिया सोचा है कि आप लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हाय, मैं मर जाऊं। क्या सोचा भाई, जल्दी बताओ। देखिए हम क्या करते हैं। देखना डॉक्टर हाथी के चेहरे से हंसी ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सर से सींग। कैसा लगा आइडिया बताओ? ग्रेट। अरे एक मिनट, एक मिनट, कहीं उनका बुरा लग गया तो? भाई पोपटलाल, हम तो चाहते हैं कि उनको बुरा लगे तो ही उनका हंसना बंद होगा ना। अरे बिल्कुल, ये डिब्बा कुछ समझता ही नहीं। चलो फिर बुलाएं डॉक्टर हाथी को बाहर। डॉक्टर हाथी। नहीं नहीं, ऐसे हाय हाय नहीं बोलते। बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। डॉक्टर हाथी, 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 बाहर आए। बबीता जी, आप रहने दो, गला बैठ जाएगा आपका। और लोग है ना, बहुत है, सब चिल्ला रहे हैं, आराम से। इनकलाब जिंदाबाद। अरे आजादी की लड़ाई नहीं है भाई। पोपटलाल, भारत छोड़ो। अरे कहाँ से कहाँ जा रहे हो? अरे डॉक्टर हाथी, बाहर आए। अरे इतना प्यार से नहीं, जोर से बोला। डॉक्टर हाथी, बाहर आए। डॉक्टर हाथी, बाहर आए। अरे जल्दी आओ ना यार, इतना क्या टाइम लग रहा है। अरे आ गए, आ गए, आ गए। आए, क्या हुआ? आप लोग इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या गया बाबी? एक मिनट, एक मिनट, क्या क्या हुआ? अभी पता चल जाएगा क्या हुआ। हमारे सोसाइटी का सेक्रेटरी हाथ पर तो गरम पीड़े, बताइए क्या हुआ। शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल कोमल भाभी जी, ये कहते हैं बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आप तो जानती है कि डॉक्टर हाथी की हंसी रुक नहीं रही है। इनकी हंसी की वजह से सोसाइटी में भीड़ इकट्ठा हो रही है, इससे हमें कितनी परेशानी हो रही है। इसलिए सभी सोसाइटी कमेटी मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि आपको अभी के अभी ये घर खाली करना पड़ेगा। या? यस, बिल्कुल करना पड़ेगा। कोमल भाभी, आपको जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, जाना पड़ेगा। क्या मैं सोसाइटी छोड़ के जाना पड़ेगा? जी हाँ। घर तो खाली रखा है। तुम्हारे हंसने की वजह से आज हमें सोसाइटी छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या हम लोग कहाँ जाएंगे? कोमल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे कैसे नहीं जाऊंगा? अरे कैसा मानूस है ये? अरे ये डॉक्टर हाथी ऐसे मानने वाले नहीं है। साथियों घुस जाओ घर में और सारा सामान उठा के बाहर फेंक दो। चलो जाने दो आदमी।
पापी जी संभल के। ऐसा कैसे सोच लिया आप लोगों ने? अरे ऐसे कैसे आप लोग हमें यहाँ से निकाल सकते हैं? मैं इतने साल आप लोगों के साथ यहाँ रहा और आप लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे? कहाँ गई आपकी दोस्ती? आप कहते हैं ना कि हम सब परिवार हैं, तो क्या मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? ऐसा ऐसा लोग करेंगे आप लोग हमारे साथ? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो आप लोग हमें सोसाइटी से निकाल रहे हैं? मेरे घर में कोई नहीं घुस सकता। दोस्तों देखो चमत्कार हो गया, डॉक्टर हाथी का हंसना रुक गया। देखो आपका अप्रतिम आइडिया काम कर गया। थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू तो भगवान का करो भाई, और मुझे थैंक यू देने की जरूरत नहीं है, बस आप फिर से ऐसे हंसने मत लग जाना। हाँ प्लीज मेहता साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं चाहूँ तो अपनी हंसी रोक सकता हूँ। रोक कर दिखाओ। अरे देवा परत की काय? मजाक कर रहा हूँ। करा दिया इन्होंने। अच्छा रुको, अच्छा रुको, अभी बराबर है, वो सिस्टम बराबर काम कर रहा है, बराबर है। अरे डॉक्टर हाथी ठीक हो गया ना? पक्का हो गया। चलो डॉक्टर हाथी घर चलते हैं। कोमल भाभी अभी आप हंस बोल सकती है। अरे हाँ थैंक यू। चलो भाई चलो, सलाम माधवी। चलो भाई ओके ओके, चाय भाई पिला भाई जरा घर पे। चलो मैं परेशान आए बापू बापू जाए। पापा आप हंसते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं तो कहता हूँ आप हंसते रहो हंसते रहो। बोली बेटा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सॉरी मम्मी। हाँ हंस खबरदार, अगर तुम अगले एक महीने तक हंसे तो। अरे पूरे महीने का हंसने का कोटा तुमने एक दिन में हंस के पूरा कर दिया है। अरे सुबह से हंस हंस के पूरे सोसाइटी वालों को तुमने परेशान कर दिया था। पता है कोमल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मेरी वजह से सब लोग बहुत परेशान हुए तो। हाँ कोमल वो सुबह जो मैंने लड्डू खाए थे वैसे ही एक पैकेट और पड़ा था ना। हंस तुम अब एक पैकेट लड्डू और खाओगे? अरे मेरे लिए नहीं कोमल, सोसाइटी वालों के लिए। उन लोगों ने कितनी हमारी मदद की, उनकी मदद की वजह से मेरी हंसी रुक गई, सोचता हूँ उनका मुंह मीठा करा दूं। हाँ ये आइडिया अच्छा है, पर हंस याद रहे लड्डू उनको देना, तुम मत खाना। हाँ हाँ कोमल मैं उनके लिए मांग रहा हूँ। उठो बेटे मैं अभी लेकर आती हूँ। पापा एक बार सुना। बोली बेटा मम्मी से मार खाओगे? अरे कुछ नहीं होगा पापा, आप बहुत क्यूट लगते हो हंसते हुए, हंसो ना एक बार। अच्छा एक बार हंसता हूँ। बोली सोड़ी। और यारों मैं ठीक हूँ कंट्रोल में हूँ, और मेहता साहब जैसे जैसे आपका जो जोक है समझता जा रहा हूँ ना, और ज्यादा हंसता जा रहा हूँ। मुझे लगा कि सोड़ी भी डॉक्टर आती नहीं हो गया। लेकिन एक बात बोलनी पड़ेगी मेहता साहब, आपने क्या जबरदस्त नुस्खा आजमाया डॉक्टर हाथी की हंसी रोकने के लिए। क्या बात है मेहता साहब, तुसी ग्रेट हो यार। भाई इस पूरे वाक्य से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें लाफ्टर क्लब को कैंसल कर देना चाहिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? अरे नहीं नहीं बराबर। अरे क्या बंद कर दो यार, आप लोग तो राई का पहाड़ बना रहे। भाई लाफ्टर क्लब सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हंसना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं क्या मेहता साहब,
के मान लो कल को लाफ्टर क्लब में हम सबकी एक साथ में हंसते हंसते डॉक्टर हाथी की तरह पिन अटक गई तो कौन किसकी हंसी रोकेगा? हाँ। अरे भाई बहुत हंस ली है और मेरे कानों में तो अभी तक डॉक्टर हाथी की हंसी की गूंज गूंज रही है। सही कह रहे जेठाबरा मेहता साहब, वो लाफ्टर क्लब ना उन बंद ही कर दो यार। नहीं मेहता साहब, आई एंजॉयड, ये लोग आए चाहे नहीं आए मैं तो जरूर आऊंगा। हम दोनों मिलकर लाफ्टर क्लब चलाएंगे। एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मेहता साहब आपको ऑफिशियली ये सूचित करता हूँ कि आप अपना लाफ्टर क्लब का कारोबार समेट लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि इससे सिर्फ डॉक्टर हाथी को ही नहीं हम सबको बहुत परेशानी हुई है। आप लोगों को मैं किस भाषा में समझाऊं कि डॉक्टर हाथी की नॉनस्टॉप हंसी का कारण ये लाफ्टर क्लब नहीं है? करेक्ट भाई, बॉम्बे में जिन्होंने इस लाफ्टर क्लब की नींव डाली, बहुत सारे लाफ्टर क्लब खोले, डॉक्टर मदन कटारिया, जब ये डॉक्टर हाथी की हंसी इस तरह से नहीं रुकी मैंने उन्हें फोन लगाया और उनसे पूछा, ये केस बताया कि भाई ऐसा हो गया है, क्या कारण हो सकता है? उन्होंने मुझे साफ लफ्जों में कह दिया कि मेहता साहब इनकी हंसी का कारण लाफ्टर क्लब नहीं है, इनकी नॉनस्टॉप हंसी का कारण कोई दूसरा ही है। देयर मस्ट बी सम अदर रीजन। दूसरा कारण क्या हो सकता है? मदद आप जगह वो डॉक्टर हाथी क्या हो सकता है? क्या मतलब कोई कारण होगा? अरे भाई, हेलो एवरीबॉडी, ये लीजिए बनारस के लड्डू, खाइए और मुंह मीठा कीजिए। डॉक्टर हाथी बनारस के लड्डू किस खुशी में? अरे भाई, आप सब लोगों की वजह से जो मैं ठीक हो गया इस खुशी में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फिर कभी मुझे गोकुलधाम सोसाइटी से निकालने की बात मत कीजिएगा। नहीं, डॉक्टर हाथी, असल में वो तो आपकी हंसी रोकने के लिए इलाज भर था भाई। सीरियसली नहीं लेना। जो भी है, चलो मुंह मीठा करते हैं। बनारस से चाचा जी का फोन आया था पूछने के लिए भांग के लड्डू खाए कि नहीं, कैसे लगे? अरे यही लड्डू खा के तो सुबह मैं लाफ्टर क्लब में आया था। अरे देवा, अरे भाई ले पिड़े पा। अरे भाई ये ले, ये लीजिए भाई। अब आया समझ में आप लोगों को इतनी देर से मैं क्या कह रहा था कि डॉक्टर हाथी की हंसी का कारण लाफ्टर क्लब नहीं है, कोई और ही कारण है और कारण सिद्ध हो गया, ये भांग का नशा डॉक्टर हाथी को हंसा रहा था। तो आप तो लाफ्टर क्लब को खामखा बदनाम किए जा रहे थे और सबके सब मेहता साहब बंद कर दीजिए, मेहता साहब की वजह से ये हुआ है, लाफ्टर क्लब ऐसा है वैसा है, भांग का नशा है। अरे भांग का नशा चीज ही ऐसी है भाई, अगर आदमी रोता है तो रो रहा है, हंस रहा है तो हंस रहा है, दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है, वही हुआ डॉक्टर हाथी के साथ, हंसने पे अटक गए। अब बोलिए आप लोगों की बोलती बंद क्यों हो गई? पोपटलाल बोला। अब सॉरी दोस्तों, मुझे माफ कर देना, मेरे खाने की आदत ने गड़बड़ कर दी। हंस, सिर्फ खाने की आदत नहीं, कभी भी और कुछ भी खाने की आदत नहीं। सही बात है। वैसे मेहता साहब आप सही कह रहे थे, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ और आपको ऑफिशियली ये सूचित करता हूँ कि आप लाफ्टर क्लब फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं जेठालाल चंपकलाल गड़े ये गोकुलधाम सोसाइटी का कमिटी मेंबर होने के नाते एक सुझाव देना चाहता हूँ। लाफ्टर क्लब आप बेशक शुरू कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार। वाह, क्या बढ़िया आइडिया। मैं तो सब बाद में क्या, हम लोग मात्रा बढ़ाएंगे उसके, पहले हफ्ते में एक बार, फिर दो हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार। जेठालाल तुम नहीं सुधरोगे। अरे भाई भले हफ्ते में एक बार ही सही, लेकिन 2010 केवल हस। Yeah.
अरे वाह, क्या बात है लेखक महोदय, 26 जनवरी कल है और आप अभी से तिरंगा लहरा रहे हो। मुझे तिरंगा लहराने के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त का इंतजार नहीं करना पड़ता अंजलि, मेरे दिल में तो 365 दिन ये तिरंगा लहराता है। क्या बात कही आपने जनाब, और वैसे भी तिरंगा तो हमारी जान है, अरे हमारे देश की शान है। इसीलिए तो ये तिरंगा आज सामने रख के मैं इस देश पे कुछ लिखना चाहता हूँ। 26 जनवरी पे ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि इस देश के लोगों को लगे कि ये तिरंगा हमें कितना जोश देता है, ये तिरंगा हमारी अस्मिता का प्रतीक है। लेकिन क्या करें अंजलि, बहुत दुख होता है। जब ये देश आजाद हुआ था ना, तब बहुत सारे सपने थे उन स्वतंत्रता सेनानियों के आंखों में कि हम इस देश को ऐसा बनाएंगे, हम इस देश को वैसा बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये तिरंगा इसे फहराने के बाद हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम जातियों के नाम पर लड़ेंगे। ये दिन देखने के लिए तो आजाद नहीं हुए थे हम लोग। आपकी बात सही है, माना कि इस देश में कुछ बुराइयां हैं, पर उन बुराइयों के साथ हमारे भारत देश में बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। हमारे देश ने इतनी सारी तरक्की की है, इस बात को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। कौन नजरअंदाज कर रहा है अंजलि, और मेरे जैसा सकारात्मक लेखक तो कभी नजरअंदाज नहीं करेगा कि भारत ने बहुत प्रगति की है। लेकिन ये कैसे भूल जाऊं मैं कि ये वही देश है जहां हम भाषाओं के नाम पे लड़ते हैं। हम हिंदुस्तानी है ये तो हम नहीं कहते, हम राजस्थानी है, हम गुजराती है, हम पंजाबी है, ये सब हम कह लेते हैं। असल में इस देश के नागरिकों के दिलों से हम होने का भाव समाप्त होता जा रहा है अंजलि। हम से मैं होते जा रहे हैं और हम अनेकता में एकता का झूठा नारा लगा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों, ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते? अरे भाई, आप जाने माने प्रसिद्ध लेखक हैं, ऐसी कलम चलाइए कि तलवार बोल उठे। इसी कलम से लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ अंजलि, और चाहता हूँ कि कुछ ऐसा लिखूं कि लोगों में जागृति आए और लोग समझें कि सिर्फ भौतिक तरक्की ही सब कुछ नहीं है। सच पूछो अंजलि, तो हमने तरक्की तो बहुत कर ली, लेकिन असली हिंदुस्तान तो वही था जो हम कहीं बहुत पीछे छोड़ा है। आप पहले वर्तमान में आइए, ये चाय पकड़िए और कुछ क्षण के लिए मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है? इस देश के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। अरे देवा, काय है, भारत के 20% लोगों को भारत की राजधानी नहीं पता, 30% लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच का फर्क नहीं पता। हाय होना रे। बाय बेटा। अरे सुनो, लंच बॉक्स तो लेती जा। आई मुझे लंच बॉक्स नहीं चाहिए। क्यों? आई आज स्कूल में जल्दी छुट्टी होने वाली है, आज हमें भारत दर्शन पर डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। अरे वाह, ओहो वेरी गुड, तो उसको ध्यान से देखना क्योंकि आने के बाद मैं सवाल पूछने वाला हूँ। ओके बाय। बाय, संभल के जाओ बेटा। हो बाय। अच्छा माधवी, क्या तुम्हें पता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी कितने किलोमीटर है? क्या आपको पता है कि हमारी कन्या की स्कूल हमारे घर से कितने किलोमीटर है? चलो ये छोड़ो, एक मिनट एक मिनट, ये बताओ कि भारत में कितने राज्य हैं? आप ये बताइए कि मेरे अचार में कितने मसाले हैं? और तुम मेरे सवाल पे सवाल क्या पूछ रही हो? तो आप कैसे सवाल पूछ रहे हो सुबह सुबह? तुमने ये पेपर पढ़ा? नहीं, मैं बाद में पढ़ लूंगी, मुझे बहुत सारा काम है। अरे देश की समस्या से बढ़कर कौन सा काम हो सकता है माधवी? सुबह सुबह पेपर ना पढ़ना ये देश की समस्या है? नहीं नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ माधवी, लेकिन आज का पेपर पढ़ो, इसमें परीक्षण आया हुआ है कि ज्यादातर लोगों को भारत के बारे में जानकारी ही नहीं। अच्छा, इसलिए आप मेरी परीक्षा ले रहे हो? नहीं नहीं, देखिए आप भले ही शिक्षक हो, लेकिन सोनू को मैं भी पढ़ाती हूँ, मुझे पूरे देश का वर्तमान, इतिहास, भूगोल सब पता है, मेरी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ तुम्हारी बात अलग है माधवी, तुम्हें तो जानकारी होनी ही चाहिए क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कितने पुरुष ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि भारत का नाम इंडिया कैसे रखा गया? तो आप उनकी परीक्षा लो ना, मुझे बहुत सारा काम है। अरे माधवी, अप्रतिम आइडिया। गोकुलधाम सोसाइटी के सचिव और हमारे यहाँ के परमानेंट शिक्षक चिंताग्रस्त हैं जब उन्हें सर्वे में ये पढ़ने को मिला कि इस देश के बहुत सारे प्रतिशत लोगों को ये नहीं पता कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में फर्क क्या है।
वैसे चिंता स्वाभाविक है, मैं भी चिंतित हूँ मित्रों। जिस लोकतंत्र के हम हिस्सा हैं, जिस गणतंत्र के हम नागरिक हैं, जिस देश के हम निवासी हैं, अगर उस देश के दो ऐतिहासिक दिनों का फर्क हमें नहीं मालूम हो तो चिंता होनी चाहिए। हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा गणतंत्र दिवस, दोनों का महत्व क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ये तो इस देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए। लेकिन कटु सत्य यह है कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आखिर इस लोकतंत्र के दो महान उत्सवों में क्या फर्क है। क्या आप जानते हैं? सोचिए तो। मुझे लगता है आप जानते होंगे, लेकिन सच ये है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, और अगर नहीं जानते तो सचमुच ये बेहद चिंता का विषय है। लेकिन इस वक्त आत्माराम तुकाराम भिड़े ये चाहते हैं कि गोकुल धाम निवासियों की परीक्षा ली जाए। अब वो परीक्षा किस ढंग से लेंगे ये मैं नहीं जानता, क्या करने वाले हैं ये भी नहीं जानता, वो क्या करेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन आप क्या करेंगे ये मैं जानता हूं। आप हंसेंगे, ठहाके लगाएंगे, मुस्कुराएंगे और बोलेंगे भारत माता की जय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.